हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लर्निंग टाइम को। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल लर्निंग टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे FEOF और EOF के बारे में। तो ये दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है, किस तरीके से उनका प्रयोग करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी फाइल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, learning.txt। ये मेरी फाइल है। अब मुझे इसको रीड करूंगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको आप क्रिएट कर सकते हैं, मैं रीड करने जा रहा हूं। तो मैं इसके क्रिएट का एक प्रोग्राम बना चुका हूं। तो अब देखिए मैं किस तरीके से इनको करूंगा और EOF और FEOF में क्या अंतर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। देखिए ये मेरी फाइल है, ये प्रोग्राम है, आप देख रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लर्निंग टाइम को। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल लर्निंग टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। इस सी लैंग्वेज में हम जानेंगे किस तरीके से हम फाइल क्रिएट करते हैं, एक उस फाइल के अंदर डेटा को किस तरीके से सही तरीके से लिख सकते, ठीक है। उन सब के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। पूरी इस कोडिंग को मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको समझ में आ सके, ठीक है फ्रेंड्स। हम कोडिंग को देखते हैं। मैंने यहाँ पे कोडिंग लिख रखी है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल लगाई stdio.h, ठीक है, void में लिया। void में हमारा वो फंक्शन होता है जो हमारा मेन फंक्शन, जो पूरा फंक्शन है जिसमें हमारा प्रोग्राम लिखा है, कोडिंग लिखी है, वो नॉन रिटर्न वैल्यू को देगा, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखा। फिर हमने एक वेरिएबल लिया, क्रिएट किया एसटी नाम का, जो कि स्ट्रिंग है अपनी, आप देख सकते हैं, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया मैंने, रोल सब सब टू टोटल और एफ, ठीक है, इतने वेरिएबल लिए। फिर मैंने फाइल, एक फाइल पॉइंटर बनाया, ठीक है, एफपी, जो कि क्या करेगा कि हमारी फाइल हम जो क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स उसका नाम होगा एफपी। तो वो एफपी इसको डिनोट करता है। जब भी हम इस फाइल पॉइंटर में, तो ये फ्रेंड्स आप एफपी देख रहे हैं जो इस फाइल को इंडिकेट करेगा हमारी, तो इसमें ये फाइल पॉइंटर होगा, इसका फाइल का जो नेम हम देंगे जब इस फाइल को खोलेंगे तो उसका इसको ये लोकेट करेगा, ठीक है। तो इस जब हम डब्ल्यू मोड पर, हमें ये बड़ा बताता है ये हमने फाइल को क्रिएट किया है, यानी अब इसमें हम डाटा लिखना चाहते हैं। जब भी हम डब्ल्यू मोड में लिखेंगे यार ये पहले फाइल है तो उसको दोबारा से क्रिएट करेगा, ठीक है, उसमें एम्प्टी हो जाएगा, उसमें दोबारा से हम डाटा राइट कर सकते, ठीक है, उस तरीके से होता है। और मैंने while one लगाया, while one का मतलब यहाँ पर होता है friends infinite loop, यानी आपको जब भी while one लिखने वो loop infinite तक चलता रहेगा, ठीक है। परंतु मैं ऐसा, हम नहीं चाहते कि हमारा ये प्रोग्राम infinite loop में फंसा रहा है, उसके लिए हमने कोडिंग लगा रखी है उसको ब्रेक करने, ठीक है, वो नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। ये मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, सब चीजों को मैं आपको समझा चुका हूँ फ्रेंड्स। देखिए फिर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिंट एफ लिखा है मैंने, इंटर आर रोल नंबर, सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया यहाँ पे, इंटर रोल नंबर। यहाँ पे आपने देखा एफपी, सब मैंने फाइल को ओपन करा तो यहाँ पे फाइल ओपन हो चुकी है हमारी student.txt और क्रिएट हो चुकी है, वो डब्ल्यू मोड में है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, वाइल वन में आ चुके हैं। अब इंटर रोल नंबर पर स्कैनएफ लिखा, स्कैनएफ हमारा क्या करता है, किसी भी आपको कीबोर्ड से जब यूजर डेटा देता है वो एक रेम में एक मेमोरी क्रिएट करता है इस वेरिएबल की, रोल नंबर वेरिएबल बनाएगा, उसका एड्रेस होगा, उसमें ये वैल्यू को स्टोर कर दे, ठीक है। तो ये हमारा, इसने ये काम किया। फिर प्रिंट एफ से इंटर नेम, फिर स्कैन एफ से यही काम करता है जो कि इस वाले स्कैन एफ ने किया, ठीक है। सिर्फ इसमें इस तरीके लिखने का फंक्शन ही होता है std.in, ये भी एक रेम में एक वेरिएबल क्रिएट करेगा एसटी नाम का, ठीक है, और जो कि उसका उस एसटी के एड्रेस, रेम पर एक एसटी वेरिएबल बने उसके एड्रेस पर ये हम जो जो हम डाटा टाइप करेगा यूजर तो उसको वो स्टोर कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने फिर फ्रेंड्स आप सब्जेक्ट, हमने दो नंबर टाइप करा लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, हमने इस तरीके से डाटा टाइप करा लिया है। अब फ्रेंड्स मैंने टोटल कर लिया दोनों, सब वन और सब टू का, इस तरीके से इसमें टोट में स्टोर कर लिया है। फिर अब ये क्या हो रहा है, अब ये एप प्रिंट एप क्या करेगा, ये फाइल में राइट करेगा, जो हमने फाइल बनाई थी student.txt, अब उसमें ये वैल्यू को टाइप करेगा। एफ पी गया, इसने ये बताया कौन सा फाइल है, ये वाली फाइल है, तो क्या आपने एफ पी में लिख लिया था, अब ये लोकेट करेगा, ठीक है। अब मैंने लिखा डबल कोट्स में परसेंट डी का, हम जब भी लिखेंगे तो फ्रेंड्स वो किस लिए होगा, रोल नंबर के लिए, जिस तरीके से लिखा उसी तरीके से डाटा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है।
और मैंने इसको ये आपको ध्यान से लगाना है क्योंकि फ्रेंड्स जब भी वो डेटा लिखेगा इस तरीके जैसे आप लिखेंगे वैसे इसमें आएगा, ठीक है। मैंने इसको एंड लगा दिया तो ये क्या होगा, अब नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी, नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो उसके इधर से आएगी इधर, ठीक है। यानी अब वो वैल्यू नीचे की ओर प्रिंट राइट होने लग जाएगी। इसी तरह से वो रोल नंबर सब सब टू इस तरीके से आएगा, रोल नंबर और ये रोल नंबर सब है सब टू है इस तरीके से। फिर एसटी, अब एसटी हमने दिया तो वो भी फ्रेंड्स हमने क्या कर दिया, नेम है उसको भी हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। टोट को भी हमने इस तरीके से कर दिया। उसके बाद फिर हमने एक और लिखा इंटर लाइन, ये क्या हो रहा है इंटर आ रहा है, मतलब बीच में न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी हम डेटा लिखेंगे वो भी न्यू लाइन से आएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा पुट्स एफ प्रिंट, हमें बता चुका जो कि हमारे फाइल में लिखने के काम में आएगा, जो कि और इस तरीके से अब राइट हो चुका है। अब जीरो या वन देने से क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब जीरो वन देने से क्या होगा, वो आप जीरो या वन देंगे तो आप इसमें मैंने इस तरीके से बनाया है, मैं वन जीरो देता हूं तो वो दोबारा से फाइल में राइट करेगा, और वन दूंगा तो वो क्या होगा वो फाइल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको जीरो वन लिखा है। तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए मैंने अब जीरो वन लिखा था, वो हमारा क्या बताता है, यहां पे अगर जीरो मैंने इस तरीके से स्कैन से दिया जीरो या वन दूंगा तो वो क्या होगा वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो काम करेगा, यानी वन देने पर हमारा क्या होगा वो लूप से बाहर आ जाएगा, ब्रेक इसलिए लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपको जब जब इसमें जीरो देंगे तब तक वो दोबारा से एंट्री करेगा, यहाँ पे फिर से एंटर रोल नंबर पूछेगा आपको रोल नंबर देना है, तो वो क्या हुआ है पहले फाइल में लिख चुका है, तो फिर से फिर इसी तरीके से जब एक और रैम में उसी वेरिएबल फिर से वैल्यू स्टोर होती रहेगी जब तक आप वन नहीं देंगे तब तक। फिर से यहाँ पर आएगा प्रिंट स्कैनअप की, स्कैनअप से यहाँ से सब वैल्यू ले सकते हैं यूजर द्वारा, ये सब यूजर द्वारा वैल्यू ली जा रही है, ठीक है। ऐप प्रिंटअप क्या करे वो फाइल में लिखने के काम आएगा, जैसे आपने नई द्वारा से वैल्यू दी है वो उनको फिर से इस फाइल पॉइंटर जाकर उस द्वारा वैल्यू को लिखने का काम करेगा, ठीक है। फिर से आपको एक मैसेज आएगा आप वैल्यू को द्वारा आप प्रेस करना चाहते हैं जीरो या वन आप द्वारा एंट्री करने के लिए, तो उस तरीके से फिर से अगर आपने जीरो दबाया फिर से जाके वही कार्य फिर से प्रोसेसिंग होगा, और आप वन दबा दे तो वो क्या होगा ये ब्रेक हो जाएगा, उस वाइल लूप से बाहर निकल, इस वाइल लूप से निकलने का सीधे इधर आएगा, ठीक है। तो ये वाला फाइल का था, इस तरह बाहर निकल के आएगा और यहाँ पर ऐप क्लोज ऐप भी हो जाएगा, यानी वो उस फाइल को क्लोज कर देगा, ठीक। इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, जो भी एंट्री थी वो हमारे प्रोग्राम में आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपको एक प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं जिससे कि आपको समझ नहीं आया फ्रेंड्स। तो देखेंगे फ्रेंड्स अब ये मैंने फाइल को अपने खोल लिया है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पर मैंने पूरी वही कोडिंग है, अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको आपके सामने, ठीक है। तो देखिए अब मैंने इसको उस तरीके से किया, अब वो फाइल को क्रिएट करेंगे कंट्रोल F9 दबाया, अब मैं इंटरनल रोल नंबर लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं 10 रोल नंबर दिया, नेम दिया ईशान, अब यहाँ पे दो सब्जेक्टों के मार्क्स दे रही है मुझे, मैंने दे दिया 33 और 55, ठीक है। अगर मुझे दोबारा एंट्री करनी है तो जीरो दबाता हूँ फिर से एंट्री करने के लिए, फिर से मैं रोल नंबर देता हूँ 11, फिर से नेम दिया SHA ससान, ठीक है। अब इन सब के मैं मार्क्स फिर से देता हूं, ठीक। अब फिर से मैंने जीरो दबाया, अब देखिए रोल नंबर मैंने दिया 12, यहां पे इंटर नेम हनी, ठीक है, इस तरीके से दिया। फिर से मैंने फिर से मार्क्स दिए, अब मैं जीरो अब वन दबा देता हूं जिससे कि हम अपनी चाहते हैं कि ज्यादा मोर एंट्री हो, ठीक है। तो इस तरीके से करने का वो लूप से बाहर आ गया फ्रेंड्स। अब मैं आपको उसकी फाइल दिखाऊंगा, ठीक है, किस तरीके से हुआ है, फिर उसके बाद एक और बार मैं करके दिखाऊंगा आपको ये चीज मैंने समझाई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मैं फाइल में जा रहा हूँ सी में, जो कि हमारा स्टॉप टेन सी में स्टॉप था, बिन में गया। अब देखेंगे बिन में अब मैं ST टाइप करता हूँ जहां पे मेरी वो फाइल थी, student.txt नाम से फाइल थी वो, देखिए ये वाली फाइल थी, इसमें मैंने क्या क्या दिया था, देखिए रोल नंबर 10 दिया था, ठीक है, यहाँ पर ईशान ससांग अब इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से इंटर मैंने प्रेस किया तो इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इंटर प्रेस नहीं करता तो क्या प्रॉब्लम होती, वो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उससे हमें क्या प्रॉब्लम आती फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलते हैं फिर से हम उसी पर, देखिए फ्रेंड्स अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये नेम में से मैंने ये हटा देता हूँ, ठीक है, तो और स्टार्टिंग में से एक भी हटा देता हूँ। तो ये देखिए एफ प्रिंटअप क्या करेगा, अब ये मैंने इंटर हटाने से क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पर आप देख रहे हैं अब
जैसे ये जिस तरीके से इसमें से इंटर हटा दिया है, तो यानी वो ये वाली लाइन और ये जो ये देख रहे हैं आप, उसका रेट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मैंने इसमें क्या था रोल नंबर, तो रोल नंबर इधर आएगा, उसके जस्ट बगल में आपका क्या आएगा सब वन का नंबर आएगा, फिर अब सबके बाद इंटर है तो नीचे सबसे ये इधर आने लगेगा, फिर ये आप देख रहे हैं सबके बाद ये आएगा, ठीक है सब टू। और एस टी जब यहाँ पे नाम आ रहा होगा, नाम एस, एस के बाद कोई स्पेस नहीं है, ये तो टोटल से चिपका हुआ, यानी टोटल नंबर उससे चिपके साथ में एक साथ बिना स्पेस के आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, तो इसकी वजह से क्या होता, मैं रोल नंबर दिया मान लीजिए 10 11 देता हूँ, इस बार करता हूँ मैं दिव्या नाम डालता हूँ, ठीक है, और मैं देता हूँ 33 45, ठीक है। फिर दूसरा देता मैं देता हूँ 0, 23 नंबर 21 डाल देता हूँ, शिवा डाल देता हूँ, ठीक है, और 66 इस तरीके से। अब मैं 1 दबा देता हूँ, अब हम दो ही रिकॉर्ड रख रहे हैं फ्रेंड्स, अब जिससे कि हम देख सकें, और वाइंड करके इसको मैं कंट्रोल एक्स करके आपको फाइल में दिखाता हूँ, तो किस तरीके, अभी ये वही फाइल दिखा रहा है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम अपनी फाइल में जाते हैं, फिर से इसको दोबारा से ओपन करते हैं तो देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स अभी स्पेस था वो इसी स्पेस आ गया है, ठीक है। तो ये चीज आपने प्रॉब्लम देखी, तो किस तरीके से हो रहा है ये कि स्पेस था, अगर मैं इसके बीच में या फिर आप स्पेस रख सकते हैं या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं दोबारा से फिर से दिखाता हूँ, तो हमें किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो ओवरऑल आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर यहां पर अब देखिए फ्रेंड्स फिर से आ गया, ठीक है, क्योंकि वो सेटिंग फिर से वही हुई। अब मैं यहां पर मैं क्या करता हूँ, ये हटाकर अगर मैं इसके बगल में होता तो ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स इससे इससे साथ चिपके हुए आएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो देखिए तो उस तरह की कोई एरर नहीं देनी है आपको, साथ में डेटा को सही तरीके से मैनेज करना है। तो अगर इस तरीके से नहीं करेंगे आपको कोई नेक्स्ट टाइम फाइल में प्रॉब्लम हो सकती है। 66 0 रोहित, ठीक है, अब मैं बंद कर रहा हूं, एन दबाया, तो यहां पे हम फिर से फाइल को उसको बंद करेंगे, फिर से खोलेंगे, तो यहां पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये मेरी फाइल है, तो देखिए साथ में नाम चिपके हुए आ रहा है। तो ये चीज को आपको इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसको स्पेस देना पड़ेगा, उसी हिसाब से ये वर्क करता है। तो ये एरर आपकी आती है तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसका ये वीडियो बनाया समझाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स।